क्या ब्यूटी है बाइक की। व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप के सब ठीक हो गए यार। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़े की है, टॉपिक बड़ा ही मज़े का है आज का भी। और ये रिक्वेस्ट कल ही आई थी तो मैंने वीडियो देखी, थोड़ी सी देखी थी, 1 मिनट की देखी थी तो मुझे अच्छा लगा टॉपिक, तो मैंने जो है फ़ौरन रिक्वेस्ट नोट कर ली कि इस पर वीडियो बनेगी। तो अभी इस पर वीडियो बन रही है। तो टॉपिक का नाम जो है वो है जर्नी इन इंडियाज़ फर्स्ट उदय एक्सप्रेस बेंगलोर टू कोइम्बटोर। क्या है कोइम्बटोर? पता नहीं अब ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना ताकि मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ताकि मज़ीद वीडियोस बनती रहें। तो देखते हैं इसे और फिर करते हैं इसके बारे में कोई बात। तो देखते हैं। क्या बात। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञानकोश। और आज हम खड़े हैं बेंगलुरु स्टेशन पे और आप फुल फॉर्म देख सकते हैं इसका, क्रांतिवीर संगोली राय, मेरे ख्याल से सही बोला मैंने, जो भी है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं एक स्पेशल ट्रेन को कवर करने और वो ट्रेन है उदय एक्सप्रेस। उदय एक्सप्रेस जो है वो डबल डेकर ट्रेन होती है, उसका फुल फॉर्म है उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस। तो हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से 2:15 पे निकलने वाली है और ये ट्रेन जाती है कोयम्बटूर तक, लेकिन हम आज सिर्फ सेलम तक यात्रा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी है वो एक बार फिर से सत्या भाई के साथ होने वाली है और साथ में रेल तेज भी है। मेरा नाम सोनू कुमार है और मेरा चैनल का नाम द रेल तेज है। तो ये आज हमारे साथ आए हुए हैं, हालांकि ये ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बाकी आज हमारे साथ देने के लिए भी मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि जो हमारी उदय एक्सप्रेस है उसका इंटीरियर कैसा है। पर उससे पहले ये देखते हैं कि इस पूरे वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। From upper deck. एकदम से यार अलग ही चीज है। डबल डेकर बस थी, अब ये ट्रेन भी डबल डेकर आ गई है। क्या बात है। हाय 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 हाय, अमेजिंग यार, मजा ही आ गया देख के। लुक भी प्यारी है ट्रेन की। तो आज हमारी जर्नी शुरू होती है बेंगलुरु स्टेशन से और हमारी ट्रेन कृष्णराजपुरम, कुप्पम, सेलम, इरोड, तिरुप्पुर होते हुए कोयम्बटूर तक जाने वाली है। पर मेरी जर्नी बस सेलम तक ही होने वाली है और जर्नी में हम 3 स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गुजरने वाले हैं। तो चलिए भारत की पहली उदय एक्सप्रेस में अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेन के अंदर, आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर हमारे नॉर्मल जो ट्रेन होती है उससे बहुत ही अलग है। अभी तक मैंने कभी भी डबल डेकर में यात्रा नहीं की है और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन भी लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि जो अपर डेक और लोअर डेक होती है वो कैसी हो। सबसे पहले चलते हैं लोअर डेक में और देखते हैं कि भाई साहब लोअर डेक का जो एरिया है वो कैसा है। लोअर डेक तो एकदम से अलग ही मज़ा देगी, जैसे मान लो एकदम ज़मीन के साथ चल रही है। बात करें सीटिंग कैपेसिटी की तो इस ट्रेन में आपको 2 डेक मिलेंगे, अपर और लोअर। अगर दोनों डेक को एक साथ मिला दिया जाए तो जो सभी जो कोच हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो करीब 120 पैसेंजर्स को एकोमोडेट कर सकती है, यानी कि 120 पैसेंजर्स जो है वो एक कोच में बैठ सकते हैं। पर अगर जिस कोच में पेंट्री कार है, पेंट्री मिनी पेंट्री लगी हुई है, तो वहाँ पे जो अगर अपर और लोअर डेक को मिला दे तो वहाँ करीब 104 पैसेंजर्स को आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। देखा जाए तो किसी भी प्रीमियम ट्रेन में ये बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर बात करें शताब्दी एक्सप्रेस की तो उसमें भी इतने पैसेंजर्स नहीं आ सकते, लेकिन डबल डेकर एक्सप्रेस में करीब शताब्दी से करीब 78 पैसेंजर्स ज्यादा एकोमोडेट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रेन है वो बिल्कुल अपने निर्धारित समय 4:15 पे निकल चुकी है। और अगर बात करें बेंगलुरु रेलवे स्टेशन की तो स्टेशन का स्टेशन कोड है SBC और यहाँ से आपको चेन्नई, सेलम, हैदराबाद और मैसूर की तरफ जाने के लिए कनेक्टिविटी मिल जाती है। 10 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन सच में बहुत ही खूबसूरत है और साउथर्न वेस्टर्न रेलवे के बिजनेस रेलवे स्टेशन में से इसका भी नाम टॉप पे आता है। स्टेशन के बाहर निकलते ही यहाँ आपको कोच वॉशिंग प्लांट भी दिख जाएगा जहाँ रेल कोचेस की बाहर से सफाई होती है। ये बहुत ही यूनिक आइडिया है रेलवे का, जिससे कम वक्त में ज़्यादा कोचेस साफ हो जाते हैं। बेंगलुरु कैंट रेलवे स्टेशन के दीवार पर बनाई गई ये चित्रकारी सच में कमाल की है। कमाल है यार। डबल डेक होने के कारण से हर डेक से एक अलग व्यू मिलता है। चलिए आपको बारी बारी से अपर और लोअर डेक से बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये नज़ारा आप लोअर डेक से देख रहे हैं जहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब आप प्लेटफॉर्म के एकदम सतह पे हो और वाकई एकदम गजब का एक्सपीरियंस है। वैसे लग रहा है जैसे भाई ज़मीन के साथ साथ ही चल रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के तो कोई चीज़ हमें जो है वो कुछ कर रही है। अपर डेक पे ऐसा लगता है जैसे मानो आप कोच के बिल्कुल टॉप पे बैठ कर यात्रा कर रहे हो। सच में ऊंच और नीच दोनों का अनुभव करवाती है ये डबल डेकर कोचेस। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के पहले हॉल्ट KGM यानी कि कृष्णराजपुरम और KGM में एक बहुत बड़ा लोको शेड है जहां पे 200 से भी अधिक लोकोमोटिव की होल्डिंग कैपेसिटी है। पहले यहां सिर्फ डीजल लोकोमोटिव ही रखे जाते थे पर अब सितंबर 2019 से इलेक्ट्रिक लोको का भी रख रखाव यहाँ पे शुरू हो गया है। KGM के बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट कुप्पम में है जो करीब अभी 90 किलोमीटर दूर है। और बात करें स्पीड की यहाँ पे नहीं, हाँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन किस तरह से एक्सीलरेट कर रही है। ये कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया। (85-90) की स्पीड जो है वो एवरेज जा रही है। खैर इस रूट पे ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं होती, अक्सर ट्रेन यहाँ 90 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है क्योंकि इधर सदर्न इंडिया में ग्रेडियंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कर्व ज़्यादा हैं और हर छोटे अंतराल पे छोटे मोटे हिल्स देखने को मिल जाते हैं। इस पहाड़ी को लोग टैकाल हिल्स बोलते हैं और ये इस एरिया में बहुत ही पॉपुलर है। रेल फैंस इसके ऊपर चढ़ करके ट्रेन की बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स निकालते हैं। साउथ में नारी शक्ति पे भी बहुत जोर दिया जाता है और इसका अंदाजा आप इस महिला TT को देख करके लगा सकते हैं। तो अब हमारी ट्रेन कर्नाटका को पीछे छोड़ आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और ये हमारी जर्नी का तीसरा स्टॉप है कुप्पम। अलग अलग जगहों पे कुप्पम का मतलब अलग है पर कई जगहों पे कुप्पम मतलब संगम कहा गया है। यहाँ आप किस चीज़ का संगम होता है वो तो नहीं पता और जो लोग यहाँ से हैं वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कुप्पम जो है उसका सही मतलब क्या है। वैसे कुप्पम अपने ग्रीन ग्रेनाइट के लिए बहुत फेमस है और यहाँ से भारत के अलग अलग जगहों पर ग्रेनाइट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ये खड़ी है OEC इंस्पेक्शन कार तिरंगे में लिपटी हुई। यहाँ उतरने के बाद हमने सोचा कि यहाँ कुछ खाने पीने को चीज़ें मिल जाएगी, मतलब साउथ इंडियन कुछ खाने को मिल जाएगा पर यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मतलब खाने के बाद तो छोड़ो, आप पानी की बोतल भी अगर आपको लेनी हो तो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। खैर कोई नहीं, हम अभी ट्रेन के अंदर जो पेंट्री कार है उस पर देखते हैं अंदर जा करके कि हमें वहाँ खाने को क्या मिलता है। और इस स्टेशन के बाद हमारी जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी, हम सेलम पहुँच जाएंगे। और थोड़ा कोशिश तो थी भाई साहब कि यहाँ कुछ मिल जाता है अपने को खाने पीने को चीज़ें। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से अब निकल चुकी है और मैंने सुना है कि स्टेशन के बाद कुछ बहुत ही अच्छे से दृश्य देखने को मिलते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी हम कुप्पम से निकल रहे हैं। एक बात तो है कि साउथ इंडिया में आने के बाद कुछ ऐसे ऐसे स्टेशन के नाम होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन शायद करना बहुत मुश्किल होता है। और खैर कोई नहीं, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रेडियंट है यहाँ पे, मानो हमारी ट्रेन पाताल में जाने वाली हो। और अगर बात करें साफ सफाई की तो आप देख सकते हैं ट्रेन में साफ सफाई काफी अच्छी है। डस्टबिन ऐसे दिए हो गए हैं हर कोच के पास में, तो साफ सफाई जो है उस ट्रेन की बहुत अच्छी है। और एक चीज तो है कि जैसे नॉर्थ की ट्रेन में हम देखते हैं जो बेसिन होता है उसमें आपको गुटखा जो है वो दिखता है, गुटखा गैंग का उत्पाद दिखता है। लेकिन अगर आप साउथ की ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये गुटका गैंग के जो सबूत हैं वो देख पाना। इस ट्रेन की साफ सफाई को देख करके मुझे यकीन हो गया है कि साउथ इंडिया में लोग साफ सफाई को कितना महत्व देते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस ट्रेन के पैंट्री कार में, मिनी पैंट्री कार में, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीजें अवेलेबल है। चलो चलो भैया देखते हैं मिनी पैंट्री कार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी आम पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं आपको इस मिनी पैंट्री या फिर एक मिनी रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं, जहां आप बाहर के नज़ारे को देखते हुए नाश्ता कर सकते हैं। सच में ये कमाल का एक्सपीरियंस है। अरे भैया चाय भी मिल गई, समोसा भी मिल गया, और क्या चाहिए भाई। तो जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था कि जो उदय एक्सप्रेस है उसका फुल फॉर्म है उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस। और अगर आप इन विंडोज को ध्यान से देखेंगे तो थोड़े से आपको ब्लैकिश दिख रहे होंगे। वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक फिल्म मिलेगी। ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो बाहर की जो धूप है वो अंदर ना आए, लोग धूप से बचे रहें। और साथ ही साथ वैसे तो समझ में नहीं आता कि इसकी ज़रूरत क्यों थी, पर फिर भी ठीक है, जो भी है अच्छा है। और अभी की जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही बेहतरीन है उदय एक्सप्रेस में, और इन्जॉय करना उस जर्नी को। साउथ इंडिया में पहली बार किसी प्रीमियम ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, हालांकि प्रीमियम ट्रेन ही है क्योंकि उदय एक्सप्रेस जब लॉन्च हुई थी तो साउथ इंडिया आई थिंक में आती थी। और जैसे ही शाम ढल रही थी सदर्न इंडिया की खूबसूरत रेल यात्रा और भी खूबसूरत हो गई। यार अमेजिंग, क्या ब्यूटी है बाइक की। तो मैं भी ट्रेन के गेट के पास एक सुरक्षित जगह से इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए खड़ा हो गया। चारों तरफ हरियाली, नारियल के पेड़, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, ईस्टर्न घाट्स की महत्वपूर्ण शेवरॉय हिल्स इस पूरे एरिया को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। ये सब दृश्य इतना मनमोहक था कि मैं यहाँ शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, बस शांति से आप महसूस कर सकते हो इस पूरे दृश्य को। जर्नी के बीच हमारी मुलाकात हुई इस रूट के एक और प्रीमियम ट्रेन कोयम्बटूर बेंगलुरु शताब्दी एक्सप्रेस से। अब थोड़ा बात करते हैं इस उदय एक्सप्रेस की। तो इस ट्रेन को पहली बार 10 जून 2018 को शुरू किया गया था, और इसके बाद विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच भी उदय एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। तो देश में फिलहाल 2 उदय एक्सप्रेस चल रही हैं, जो हो तो बिल्कुल डबल डेकर ट्रेन की तरह ही है, पर बाहर से और कुछ सुविधाओं से लगती है कि ये तेजस का ही एक रूप है। हमारी ट्रेन में जब मैं यात्रा कर रहा था तब इसी चेयर कार ही रखते थे, पर अब इस ट्रेन में ज़्यादा पैट्रोनेज ना होने के कारण से सेकंड सीटिंग के कोच भी लगने शुरू हो गए हैं। तो आखिरकार हम सेलम जो है वो पहुंच ही गए हैं अपने निर्धारित समय, यानी कि 5:50 पे। अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच चुके हैं। हालांकि ये ट्रेन जो है वो कोयम्बटूर तक जाने वाली है, लेकिन हम ट्रेन को यहीं डिबोर्ड करेंगे क्योंकि हमारा जो प्लान है वो कुछ और है, और हम अभी जाएंगे चेन्नई की तरफ। अच्छा, ये चेन्नई जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी जर्नी तो यहीं खत्म होती है। हमने करीब 260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और वक्त लगा करीब 3 घंटे 40 मिनट का। तो हमारी एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की रही, और बहुत सारे ग्रेडियंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी ये एवरेज स्पीड काफ़ी अच्छी है। सेलम की शाम सच में बहुत ही खूबसूरत थी। हमारा देश भारत सच में बहुत ही डाइवर्स है। हर कुछ अंतराल पे आपको भाषा, संस्कृति, पहनाव में अनेकों विविधताएं देखने को मिल जाएंगी, और इन सारी विविधताओं को अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो रेल यात्रा से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ अपनी आने वाली जर्नी की अपडेट्स देता रहता हूँ। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अरे भाई, जितनी तारीफ़ कर लो कम है, लेकिन जो तारीफ़ है वो मैं बाद में करूँगा। अभी अजान हो रही है, अजान सुनते हैं और फिर उसके बाद करते हैं बात इसके बारे में कोई। हाँ जी, तो अब कर लेते हैं बात इसके बारे में, उदय एक्सप्रेस के बारे में। यार मान लो एकदम जो नीचे वाला लोअर डेक था उसमें तो एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़मीन पे बैठ के जा रहे हो। एक अलग ही मज़ा है। अभी मैंने उसमें ट्रैवल नहीं किया, लेकिन मुझे इधर बैठे ही फील हो रहा है कि यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर लोअर डेक में बैठ के ट्रैवल किया जाए अपर डेक की निस्बत, क्योंकि अपर डेक में तो जो नॉर्मल ट्रेन की हाइट है उससे थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, तो वो चीज़ इतनी नहीं होगी जो आपको नीचे मिलेगी। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप नीचे बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैक के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हो, तो ये एक अलग ही मज़ा होगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो बहरहाल आप लोग वहाँ पे हो, लाजमी से यार ट्राई करो, बहुत ही मज़े की ट्रेन है ये, बहुत ही मज़े का सफ़र होगा इसमें। अगरचे स्पीड ज़्यादा नहीं है, और क्योंकि वो भी बताया उसने कि साउथ इंडिया में जो है वो जिस जगह पे इसका ट्रैक है उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से भी स्पीड जो है उसका इशू थोड़ा सा बनता है, क्योंकि बार बार टर्निंग पॉइंट्स आते हैं तो फिर स्पीड तो जाहिर सी बात है कम ही होगी। तो ओवरऑल यार ट्रेन मज़े की थी, मुझे मज़ा आया देख के। आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। और यार जिसने ये वीडियो सजेस्ट की थी, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको कमेंट में भी इसका रिप्लाई किया था और अभी भी वीडियो में भी यही बात कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक था ये। इसी तरह के मज़ीद टॉपिक्स भी जो है वो सजेस्ट करते रहें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस बनती रहें। और यार इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को करते हैं इधर ही एंड, टॉपिक लाजमी बताते रहना।